Citylive, a platform to sharing your thoughts. NEOCON 2019 का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है और इसकी शुरुआत होगी कल से. इसके बाद तीन दिन तक लगातार इसमें कई सेशन होंगे जिसमें देश भर के शिशु रोग विशेषज्ञ नई तकनीक और रिसर्च पर मंथन करेंगे और इसमें विचार विमर्श किया जाएगा कि शिशु मृत्यु दर को कैसे कम किया जाए और शिशुओं से संबंधित गंभीर बीमारियों का समाधान नई तकनीक के साथ कैसे किया जाए. Citylive, a platform to sharing your thoughts. NEOCON 2019 की मेजबानी का अवसर मिला है राजधानी जयपुर को और इस NEOCON 2019 में देश के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ जयपुर में जुटेंगे. नई तकनीक और नई चिकित्सा पद्धति पर बातचीत होगी. इसके आयोजन समिति है उसके अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय मंगल हमारे साथ हैं. इनसे बात करेंगे कि किस तरह के डिस्कशंस होंगे और इस चिकित्सा में खासतौर से जो शिशु चिकित्सा है उसको कितना फ़ायदा होगा इस NEOCON 2019 से. करीब करीब 600 से 700 शिशु रोग विशेषज्ञ इकट्ठे हो रहे हैं. इसमें 5 और 6 को मेन कॉन्फ्रेंस है क्लार्क सामिर होटल में और 4 तारीख को 8 जगह डिफरेंट वर्कशॉप्स हो रही हैं. तो जो कार्यशाला होंगी उसमें वेंटिलेशन पे, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पे, बच्चे जो क्राय देर से करते हैं, दिमाग में सूजन आ जाती है तो उनके लिए क्या अपन प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसके लिए ठंडे पानी की मशीन होती है जिनको हाइपोथर्मिया ट्रीटमेंट बोलते हैं. वो है एक NICU फॉलोअप केयर. जिस तरह के बच्चे नर्सरी में रहते हैं उनको प्रीमैच्योर होते हैं, बहुत दिन महीना डेढ़ महीना रहना पड़ता है, कोई वेंटिलेटर पे है, ये सारे बच्चों को हमें कैसे फर्दर करना चाहिए जिससे उनको बाद में उनके डेवलपमेंट में कोई गलत प्रभाव नहीं हो. इसमें राजस्थान गवर्नमेंट ने जो उन्होंने यूनिसेफ के थ्रू करीब करीब 60 डॉक्टर्स को और 60 नर्सों को डिफरेंट पार्ट ऑफ राजस्थान के जो सुदूर गाँव में रह रहे हैं उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया है जिससे हम जो टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए जिस तरह का ये आयोजन कर रहे हैं उससे दूर दूर के गांव में जो बच्चे हैं उनको उसका ट्रीटमेंट का फ़ायदा हो. इसमें गुजरात से, सूरत से डॉक्टर मोहित सानी, डॉक्टर आशीष मेहता, डॉक्टर काबरा, डॉक्टर उमेश बैद पुणे से, डॉक्टर समीर शेख, ये अलग अलग जगह से डॉक्टर आ रहे हैं जो अपनी फील्ड के मास्टर हैं. दुबई से, US से, तो ये सारे डॉक्टर आएंगे. वो नई नई टेक्नोलॉजी, वहाँ क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, उस ट्रीटमेंट से हम बच्चों को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं न्यूबॉर्न बच्चे को, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे भारत सरकार हो, राजस्थान सरकार हो या दुनिया के यूनिसेफ, सबका टारगेट ये होता है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम करना है. NNF राजस्थान चैप्टर क्या है और इसका क्या रोल रहेगा इस पूरे आयोजन में? ये पूरा आयोजन राजस्थान नेशनल न्यूनाटोलॉजी फोरम की जो स्टेट ब्रांच है ये उसके अंदर करा जा रहा है पूरा आयोजन. वो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है कॉन्फ्रेंस को, उसके साथ में को होस्ट कर रहे हैं IAP जयपुर और NNF जयपुर ब्रांच. इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसमें इनॉग्रल फंक्शन में प्रोफेसर हेड डॉक्टर AK देवरारी जो एम्स के प्रोफेसर हेड हैं न्यूरोलॉजी में, उन्होंने बहुत सारे इनोवेशन किए हैं. वो अपने एक ऐप की लॉन्च करेंगे जिससे दूर बैठे बैठे गांव में लोग इसको ऐप के थ्रू इसकी नई नई जानकारियां ले पाएँ. दूसरा एक हमारे साथ होंगी डॉक्टर बंदोपाध्याय मैम. सी इज़ द फर्स्ट लेडी ऑफ द वर्ल्ड जो हु बिकम एयर मार्शल. सो वो मैडम आई हैं, वो एयर मार्शल हैं. वो अपने जैसे बच्चों शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, वो अपने काम में प्लस दूसरे समाज में आपस में कैसे सामंजस्य बना के रखें कि अपनी लाइफ को बैलेंस करके रखें, वो उनके टिप्स देंगे. तो जयपुर में जुटेंगे दुनिया भर के शिशु रोग विशेषज्ञ, नई तकनीक और नए रिसर्च पर मंथन करेंगे और जाहिर सी बात है कि इस मंथन से शिशु मृत्यु दर को कमी करने में मदद मिलेगी और कई गंभीर बीमारियां जो बच्चों को होती है उसमें क्या क्या इनोवेशंस हो रहे हैं और उनके सॉल्यूशन क्या है, इस पर यहां पर विचार विमर्श होगा और इसका जनता को, खासतौर से बच्चों को इसका फ़ायदा होगा. Citylive के लिए BK शर्मा. Citylive, a platform to sharing your thoughts.